बच्चों बीच में वही न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे, लेकिन फोर्स और संवेग, बल और संवेग में शायद रिलेशन नहीं बताए थे, उसको पिछले वीडियो में बताया गया है। अब हम पुनः न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अरिहंत की बुक है पेज नंबर 210-211 पर। सब सवाल नहीं बता पाएंगे, जो अच्छे सवाल हैं बता रहा हूँ। दसवां क्वेश्चन आपका है, 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किग्रा द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। देखो भाई, ये आपका रेल का इंजन है, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5 इंजन थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं। प्रत्येक का जो द्रव्यमान है वो 2000 किलोग्राम है। कितना? 2000 किग्रा, ठीक है। इंजन का जो द्रव्यमान है वो 8000 किलोग्राम है। ये पटरियां हैं, रेल है, सारी पहिया है, रेलगाड़ी जा रही है, ठीक। कह रहा है कि यदि इंजन 40000 न्यूटन का बल आरोपित करता है ना, तथा पटरी पर 5000 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट बल बराबर, देखो बेटा 8000 न्यूटन तो इधर लग रहा है, 8000 न्यूटन इधर इस दिशा में, और घर्षण बल इस दिशा में कितना? सारी 40000, कितना? 40000 न्यूटन। और 5000 न्यूटन का क्या हो रहा है? घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, बल सदिश राशि है, ठीक, घट जाएगा। तो 40000 माइनस 5000 बराबर 35000 न्यूटन, ये हो गया। F बराबर कितना हो गया? 35000 न्यूटन। अब मास कितना हो गया बेटा? एक डिब्बे का द्रव्यमान 2000 किग्रा, तो 5 डिब्बे का 5 से गुणा कर दो, और प्लस 8000 किग्रा किसका? इंजन का द्रव्यमान, तो ये कितना हुआ? 10000 प्लस 8000 बराबर कितना हुआ? ये 18000, कितना? 18000 न्यूटन, ठीक है। तो नेट बल कह रहा है, तो नेट बल इतना लगा भैया 35000 न्यूटन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 यहां दशमलव लगा करके 3.5 गुणे 1, 2, 3, 4, 5 10^5 न्यूटन ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सारी यहां न्यूटन लिखा है, यहां किलोग्राम होगा। दूसरा कह रहा है त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर, या बराबर क्या होता है? न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम से या बराबर एम ए एज कैलकू एफ अपन एम। एफ कितना है? 35000 न्यूटन। कितना? 35000 न्यूटन, ठीक। मास कितना है? 18000। कितना? 18000 न्यूटन। 18000 किलोग्राम, सॉरी 18000 किलोग्राम कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, कितना बचा? 35/18। ये किसी से कटने वाला नहीं है। अब हम अगर भाग दें तो आएगा कितना? 1.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। फिर कह रहा है कि डिब्बे एक द्वारा डिब्बे दो पर लगाया गया बल। अब बेटा, अब मामला फंसा दिया, यह डिब्बा इस पर कितना बल लगाएगा? क्लियर भाई? धक्का देगा ना, हर डब्बे एक दूसरे को धक्का देते हैं।
और जब आप क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया बल मिलता है। क्या मिलता है? प्रतिक्रिया बल मिलता है, ठीक है। तो प्रत्येक डब्बे द्वारा लगाया गया बल, इसको नोट कर लें आप, वीडियो को रोकें इसको नोट करें। तीसरा है, तीसरा पार्ट इसका है एफ डैश बराबर स्मॉल एम ए। स्मॉल एम कितना है? 2013। ए कितना है? 1095 ना, 18 से कटेगा क्या ये? चलो 5 / 18 रखो, क्या कटेगा? 2 से कटेगा, फिर 9 से भाग देना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखो 1.95 न्यूटन। मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 0 0 तीन जीरो हो गया, 2 5 10, 2 9 18 19, 2 × 1 3, 1 × 2.5 यहाँ इतना न्यूटन, 3900 न्यूटन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर लें, ब्लैक बोर्ड साफ करूँ। क्वेश्चन नंबर अवेलेबल है, एक किग्रा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले को, मास 1 किलोग्राम है, लोहे का एक गोला है, ठीक है। गोले को जमी हुई बर्फ की सतह पर लुकाया जाता है कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुकाया जाता है। ये 50 मीटर चलने के बाद ये रुक जाता है, ये रुक जाता है। कह रहा है कि गोले और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो बेटा ये चीज स्पष्ट है कि अब बराबर एम में होता है, यू दिया है, वी दिया है, यस दिया है, ठीक है। ए निकल सकता है वी यू एस, न्यूटन का द्वितीय तृतीय समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। वी तो 0 है, ई स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर प्लस 2 × a, a का मान निकालना है, यस दिया हुआ कितना आपका 50 मीटर, कितना 50 मीटर, या 0 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा प्लस 100 a, 100 a को इधर लाओ बेटा तो माइनस 100 a बराबर 400, a बराबर 400 बटे माइनस 100 बराबर कितना आया? माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ बराबर कितना हो गया बेटा? घर्षण बल एफ बराबर एम ए। अभी क्लियर हो जाएगा कि घर्षण बल है कि नहीं है। एम कितना है? 1 किलोग्राम, ठीक है, और माइनस 4 बराबर माइनस 4 न्यूटन। माइनस चिन्ह, ऋण चिन्ह क्या बताता है? ऋण चिन्ह मंदन को बताता है, मंदन, ठीक है, मंदन बल अर्थात घर्षण। घर्षण ही क्या है? मंदक है, क्या है? मंदन बल है अर्थात घर्षण बल को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में है 500 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा, एम बराबर 500 ग्राम है, इसमें 1000 का भाग देंगे तो 1/2 किलोग्राम आएगा, आधा किलोग्राम, ठीक, द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील ठोंकते ना थोड़े से, तो वेग कितना है? 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और कह रहा है 0.01 सेकंड में यह रुक जाता है, यानी यहां पर इसका इस समय के बाद वेग क्या हो जाता है? 0। तो f बराबर क्या बताए थे आपको? डेल p अपॉन डेल t,
डेल पी बराबर ये पी टू माइनस पी वन था याद करो बटे डेल टी पी टू एम वी माइनस एम यू अपान डेल टी क्लियर। एम वी कितना है बेटा एम वी वी कितना है जीरो एक बटा दो बुढ़े जीरो माइनस एक बटा दो बुढ़े पचास बटे डल टी दशमलव जीरो एक सेकंड दशमलव जीरो एक सेकंड तो जीरो हो गया। अब पचास में दो का भाग देंगे पच्चीस माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन जीरो पॉइंट जीरो वन दो अंक पर दशमलव लगा हुआ है यहां भी दो अंक पर दशमलव लगा सकते हैं तो पच्चीस सौ बटे ए बराबर 2500 न्यूटन कितना। अब यहां माइनस चिन्ह आ रहा है क्या माइनस चिन्ह आ रहा है माइनस चिन्ह क्या बताता है माइनस चिन्ह सिर्फ यहां ये बता रहा है यहां हम मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि हथौड़े द्वारा आरोपित बल है वह बल नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है चाहे किसी भी दिशा में जा रहा है या ऐसे गाड़ रहे हैं ठीक है तो यहाँ माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ मंदक बल की गणना हमको नहीं करनी है ठीक है या बराबरी चिन्ह को छोड़ने पर 2500 न्यूटन आप लिख सकते हैं दोनों ये भी दोनों लिख सकते हैं आप नोट कर लें प्लीज इसको फिर आगे बताते हैं सवाल। मेरा 13 क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन 10 किग्रा की बंदूक से 60 ग्राम की गोली 160 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है बंदूक द्वारा पीछे की ओर झटके लगे का वेग ज्ञात कीजिए यानी जब गोली आगे जाएगी बंदूक पीछे आएगी न्यूटन थर्ड लॉ हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया है जैसे हम बताए थे ना न्यूटन थर्ड लॉ में आप नाव पर पैर रख के कूदते हैं तो आप आगे जाते हैं नाव पीछे जाती है ठीक जब गोली बंदूक पर धक्का देकर आगे बढ़ती है ठीक अब बंदूक गोली पर धक्का देता है अब गोली बंदूक पर धक्का देती है बंदूक जब गोली पर धक्का देगी तो गोली आगे जाएगी अब गोली जब बंदूक पर धक्का देगी तो बंदूक पीछे आएगी लेकिन बहुत धीरे से पीछे आती है क्यों क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा होता है। आइए माना बंदूक का द्रव्यमान बराबर कैपिटल एम बराबर 10 की और गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम है ये 60 ग्राम है 60 में जब 1000 का भाग देंगे 6/1000 किलोग्राम आएगा। गोली का वेग हम भी मान लिए वी बराबर 160 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है बंदूक का वेग यू बराबर कितना ये पूछ रहा है तो अगर बंदूक और गोली एक निकाय है और संपूर्ण निकाय का जो संवेग का सदिश योग होगा वह क्या होता है जीरो निकाय के सभी कणों सभी पिंडों के द्रव्यमानों सभी कणों या पिंडों के संवेगों का जो सदिश योग होता है वो शून्य होता है। तो चलो भाई बंदूक का संवेग धन गोली का संवेग बराबर जीरो बंदूक का संवेग क्या है संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग बताया जा चुका है बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम है और बंदूक का वेग क्या है यू है और गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम है लिखे हैं अब वेग क्या है वी है यहां लिखे हैं गोली का वेग वी बराबर जीरो हमको यू निकालना है कि किस वेग से बंदूक पीछे हटती है कैपिटल एम यू बराबर माइनस एम वी तो यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा माइनस एम वी अपान कैपिटल एम। चलो अब देखो ये माइनस चिन्ह दिखाता है बंदूक और गोली की दिशाएं क्या है विपरीत है अगर गोली आगे जा रही है बंदूक पीछे आ रही है यानी बंदूक की दिशा गोली बंदूक के वेग की दिशा गोली के वेग की दिशा क्या है विपरीत है यही ऋण चिन्ह बता रहा है आपको
ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। अगर एक का वेग पॉजिटिव होगा दूसरे का निगेटिव होगा, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी निगेटिव ले सकते हैं। तो हमने गोली के वेग को पॉजिटिव लिया तो बंदूक का वेग क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि 180 अंश के कोण पर वेग करते हैं। अगर ये उत्तर गई, अगर गोली उत्तर गई बंदूक दक्षिण आएगी, ठीक है। इसका मॉस कितना है? 6/1000 गुणे भी कितना है? 160 बटे, या कह लो पूरे बटे कैपिटल एम 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम। 0-0 कट गया। अब 16×6 96 बटे 100/10/1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लास्ट छोर है ये। अब आइए 96/100/10/1 एक का गुणा 96 होगा, यानी u बराबर 96/1/100/10। इसको हल करेंगे बेटा तो 96/1000 3.096 मीटर प्रति सेकंड। ये माइनस में होगा बेटा, माइनस में यहाँ माइनस में, ठीक है, नोट कर ले प्लीज इसको। यहाँ बेटा एक गलती है, यहाँ ये 0-0 काटने के 6/100 आएगा, ठीक है बेटा, 6/100 इस 0 से ये 0 कटेगा। तो कितना है ये 100, ये कितना है 10/10, ये कितना होगा 100, तब आपका आंसर होगा 0.96 मीटर पर सेकंड। ये करेक्शन है, नोट कर लीजिए इसको।